हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। हम टॉस लाद एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और इस एप्लीकेशन में आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है टॉस लाद, और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्जेस। दो सीट ऑफ चार्जेज हमें दी हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक इनफाइनाइट प्लेन सीट ली थी और उसकी वजह से एट ए पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी। यस, और हमने ये भी देखा था कि ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर से इंडिपेंडेंट थी द डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेन सीट। यस, रिकैप्चुलेटेड, हमारे पास ऐसे एक सीट थी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था और ऐसे हमने उस सीट को बनाया था। ये पॉजिटिव चार्ज सीट हमारे पास थी और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया था वो आया था एट पॉइंट पी, दैट इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। यस, इनफाइनाइट वन सिंगल प्लेन सीट हमारे पास थी और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो इतनी आई थी। यस, कॉन्स्टेंट। आज हमारी जो सिचुएशन है, वी हैव टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्जेज, दो हैं हमारे पास, लो बना लेते हैं। ये लीजिए, ये पहली सीट है हमारे पास और ये हमारे पास दूसरी सीट, ये लीजिए। दोनों पे हमने मान लिया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज। यस, ये लो लीजिए, कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन सीट्स इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड सीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, इनकी चार्ज डेंसिटीज दी हुई है, ऑफ चार्ज डेंसिटीज सिग्मा वन एंड सिग्मा टू रिस्पेक्टिवली। हमने ये मान लिया, कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन सीट्स वन एंड टू। यस, ये हमारी, इसका नाम है वन और ये हमारी टू। ये हमारी क्या हुई, टू। जो हमारी वन इनफाइनाइट, जो पहली इनफाइनाइट सीट है उसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वन और इसकी है सिग्मा टू, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। यस, जितना भी टोटल चार्ज इन दोनों ही प्लेन ऑफ सीट पर हमारे पास है वो हमने मान लिया है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके ऊपर है, जैसे हमने वहाँ माना था, जो टल वाला केस है उसमें देखा था हमने। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस, इस वजह से हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा जो टोटल पोर्शन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ तीन पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमने जो ये, हाँ ये नोट हो रहे हैं। यस, हमने जो अपनी इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट्स रखी हैं वो हमने मान लिया थी, ये हमने ऐसे रखी हुई, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ऐसे रखी, और हमने ये मान लिया है कि पहली प्लेन ऑफ, देखिए ये पहली इनफाइनाइट प्लेन सीट है, पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी जाएगा और इस साइड में भी जाएगा, दोनों तरफ आउटवर्ड जाएगा। अब यदि ये डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के दोनों तरफ इससे जाएगा और दोनों तरफ इससे जाएगा, दोनों तरफ इससे जाएगा। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने मान लिया ई वन और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मान लिया हमने ई टू। अब देखिए, पहली सीट से ई वन इस साइड में भी हो रहा, इस साइड में भी हो रहा, ई टू इस साइड में भी हो रहा, इस साइड में भी हो रहा। अब हमारे पास हमारा जो टोटल रीजन है, और हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए हमने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉज्ड पॉइंटिंग आउट थ्रो दी, जो पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे ले रहे, पॉजिटिव ले रहे। लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैन बी टेटन एज पॉजिटिव, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोन नेगेटिव एक्स एक्सिस टेटन एज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि पहली सीट की वजह से जो इवन है, यदि इवन इस साइड में इवन की वैल्यू ली जाएगी इससे पॉजिटिव दी साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दी साइड में इधर ली जाएगी तो वो इवन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही, और इधर ली जाएगी तो इवन की वैल्यू नेगेटिव हो रही। सिमिलरली इस प्लेन ऑफ सीट से ई टू की वैल्यू यदि आई, E2 की वैल्यू यदि आती है तो वो हमारे पास, E2 की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आएगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने इसको प्लस लेना है और दूसरी तरफ में माइनस लेना। तो यहां हमारे पास तीन पोर्शन है। अब ये देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है और यहां भी आ सकती है। देर आर थ्री रीजन्स, यहां हमारे पास तीन रीजन है। इस पहले रीजन का नाम रखा मैंने रीजन नंबर वन, ये हमारे पास है रीजन नंबर टू, ये है हमारे पास रीजन नंबर थ्री, और इस बात को मैंने लिख दिया है देर आर थ्री रीजन्स, वन टू एंड थ्री, इन विच वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यस। अब ये देखिए, इस रीजन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इस पहली जो हमारे पास प्लेन सीट है इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा इवन, और दूसरी की वजह से हो रहा ई टू, और दोनों ही इसकी वजह से भी लेफ्ट में है, इसकी वजह से भी लेफ्ट में है, तो दोनों हमारे पास माइनस आ रहे। अब देखिए, यहां यदि इस पॉइंट में इस रीजन में हम लेना चाहते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा इस साइड, और इसकी वजह से ये राइट साइड में चला रहा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वन पॉजिटिव है और ई टू नेगेटिव। अब चलिए यहां थर्ड रीजन में हम देखते हैं, यदि हमारे पास ई वन, अब देखिए E1 पहले वाले जी राइट में है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसीलिए E1 कैसा आया हमारा, पॉजिटिव आया, और सिमिलरली E2 हमारे पास पॉजिटिव आया। अब यहां देखिए, ये दोनों यहां नेगेटिव हैं, यहां एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहां फिर पॉजिटिव है। दूसरी एक बात हमें पहले ही मालूम है, ये वाली इसको दोबारा लिखता हूं मैं, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट
प्लेन सीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये नोट ये हमने किया था लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें ये रिजल्ट आया था। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सीट इज E1 इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेकंड इनफाइनाइट सीट इज E2 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला यूज हुआ हमारा और ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया था, ये फॉर्मूला डॉस की एप्लीकेशन से हमारे पास आया था। तो यहाँ हमारे पास जो E1 की वैल्यू आई है वो आई है सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू हमारे पास आई सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद देखिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं अलग अलग रीजन में। The electric field intensity in first region, it means E1 and that is equal to minus E1 minus E2, yes? दोनों vector quantity है, दोनों का vector sum हमने ले लिया है, yes? दोनों की value है हमारे पास, yes? Minus E1 की वैल्यू कितनी है सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस भी कॉमन है 1 बाय 2 एप्सिलॉन भी कॉमन है बचा गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यस ये हमारे पास आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दी फर्स्ट रीजन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकंड रीजन दैट इज E2 कितनी वैल्यू है बताइए E1 प्लस है माइनस का E2 है ये दोनों आपस में जोड़ दिया हमने जोड़े हैं ना ये अरे ये ऐसे जोड़े हैं भाई E+ -E2 एंड दैट इज E1 -E2 एंड नाउ वी हैव ई सेकंड रीजन दैट इज सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन एंड देन वी हैव 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 - सिग्मा 2। यस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन देन E3 1, 2, 3 यस ये हुआ E1 + E2 दोनों पॉजिटिव हैं इट मींस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन एंड देन वी हैव 1/2 एप्सिलॉन एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 समझ आया यस yes. हमारे पास बचा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2
अभी सारे लोग रब डरते हैं, और एक नया टॉपिक इसी में ही हमारे पास आ रहा है। और ये देखिए, हमने इनफाइनाइट टू प्लेन सीट्स हमारे पास हैं, और उस वजह से जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा वो हमने निकाल लिया है। चलो इसको सारे टो रब करके दोबारा रिजल्ट लिखते हैं। हमारे पास ई थर्ड आया है, ई थर्ड आया हमारे पास 1/2 ε σ1 + σ2। ई टू हमारे पास आया है 1/2 ε σ1 - σ2, और E1 हमारे पास आया है 1/2 σ1 + σ2। यस, यही था ना। चलिए अब हमारे पास जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट, और हमने दोनों प्लेन सीट्स पर सेम चार्ज दिया था। ऐसे हमारी प्रॉब्लम ये थी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन इतनी आई, फिर यहां E2 आई E1, देन E सेकेंड रीजन, E थर्ड रीजन, ये हमारा रिजल्ट आए हैं, ये हमारे रिजल्ट। अब हमारे पास एक स्पेशल केस है इसका, या इसको दूसरा भी मान सकते हैं हम, कि हमारे पास टू इनफाइनाइट सीट्स हैं, और बट वो अपोजिटली चार्ज्ड है। सीट वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड टू इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। यदि ऐसा होता, पहले हमने लिया था कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, यदि दोनों ही, दोनों में से एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव हो, देन व्हाट हैपन्ड। ऐसे केस में आप देखिए, हमारे पास ऐसे ही हमारी पहली और दोनों पे चार्ज सेम है, लेकिन चार्ज दोनों पे सेम, मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम है, मैग्नीट्यूड इसका मतलब चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर है। ये हमने अपने वाली पहली सीट का जो चार्ज डेंसिटी ली थी वो ली थी σ1, यहां ले ली हमने σ। ये हमारी दूसरी सीट थी, इसी ली थी हमने σ2, पर यहां चार्ज डेंसिटी हमारी हो रही -σ, क्योंकि दोनों ऐसे हैं अपोजिटली चार्ज है। हमने अपने पहले टॉपिक से यहां एक नया स्पेशल केस बनाया, जब हमारी दोनों इनफाइनाइट सीट अपोजिटली चार्ज हो, पर दोनों बराबर बराबर अपोजिटली चार्ज है, जितनी पॉजिटिव चार्ज ये है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज दिए है। तो हमारे पास यहां वही ऑप्शन आए ना, ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ये थर्ड रीजन। अब ये देखिए, इस रिजल्ट से ये डायरेक्ट वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। E1 हमारे पास था -1/2 ε0, और ये वह σ1 + σ2, और हमारे पास यहां आया σ1 कितना हमारा σ, यस, और σ2 - σ2, दोनों कैंसल हो रहे, देन इट कम्स आउट टू 0। देन व्हाट अबाउट E2? 1/2 ε0, और ये हुआ σ1 - σ2, और ये हुआ 1/2 ε0 σ1 - σ2, और σ2 हमारे पास हुआ -σ, एंड देन वी हैव 1/2 ε0 σ + σ, इट मीन्स 2σ / 2ε0
सिग्मा से टू कैंसिल हुआ एंड देन वी हैव सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट अबाउट दी थर्ड रीजन, देन व्हाट अबाउट दी थर्ड रीजन, इन द थर्ड रीजन वी हैव वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, दोनों बराबर हैं, अपोजिट है, यहां आया सिग्मा वन और दोनों कैंसल, इट मींस जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां बची, सिर्फ यहां बची। तो हमने लिख दिया द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट इज कॉन्स्टेंट। अब सिर्फ बिटवीन बचा है ना, बिटवीन वाला केस बचा है, बीच में बचा है। दास द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी बिटवीन टू इक्वली एंड अपोजिटली, इक्वल भी है और अपोजिटली, सिंगल एस आएगा, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स और सीट इज कॉन्स्टेंट एंड इज गिवन बाय इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, और इसका जो स्पेशल केस है इसको भी हमारे पास बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।